रामगढ़ थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 8 मार्च को निकट निवासी साहिन पुत्र फकरुद्दीन अपने परिचित के साथ मोटरसाइकिल से नारका गांव जा रहा था। रामगढ़ रेलवे फाटक पर अज्ञात बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल आगे लगा रोक ली। उसमें मोटरसाइकिल चालक परिचित जसप्रीत उर्फ राजू मौके से भाग गया। साहिन का अपहरण कर उसके पिता से 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगे। इस पर साहिन के पिता फकरुद्दीन ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा, अपने बेटे को सकुशल छुड़वाने की गुहार लगाई। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए DSP हेमेंद्र शर्मा के सुपरविजन और थाना अधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर CCTV कैमरे की फुटेज और मुखबिर से मिले सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। रामगढ़ थाने में ASI बंसीलाल ने बताया कि 8 मार्च को साहिन के पिता ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा साहिन अपने परिचित जसप्रीत सिंह उर्फ राजू निवासी मुबारकपुर के साथ उसकी बुआ के घर नारका गाँव जा रहा था कि रास्ते में रेलवे फाटक के पास मोटरसाइकिल आगे लगा उन्हें रोक लिया गया, जिसमें जसप्रीत भाग गया और मेरे बेटे साहिन का अपहरण कर 1.5 लाख रुपए फिरौती मांगी। अनुभव पुत्र अरविंद जाटव, हेमंत पुत्र गेंदालाल जाटव, तारा सिंह पुत्र संतोष सिंह लवाना, जिसमें जसप्रीत भाग गया और मेरे बेटे साहिन का अपहरण कर 1.5 लाख रुपए फिरौती मांगी। अनुभव पुत्र अरविंद जाटव, हेमंत पुत्र गेंदालाल जाटव, तारा सिंह पुत्र संतोष सिंह लवाना सिख और टीका उर्फ टीना पुत्री श्यामलाल पत्नी अनुभव जाटव को गिरफ्तार कर अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल भेज दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में ASI बंसीलाल कांस्टेबल महबूब खान, प्रदीप कुमार, शाहरुख खान और महिला कांस्टेबल श्रीमती निर्मला देवी की भूमिका रही।